लोअर लेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वेल गुड, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे? एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, गॉड इज ग्रेट। 8 वीक्स तक तो बॉडी अपने आप पिकअप पकड़ लेगी। मेन क्या है कि Hello everyone, very good evening. We are telling our followers that it has started live. Okay, the big boss is here. You can ask him anything, not me. Ask him. What's up, guys? How are you guys doing today? Do press 7 compulsory post karo. साइड चेस्ट जितेंद्र, जब साइड चेस्ट कर रहे हो ना, इतना बैंड नहीं होते हैं, स्टैंड स्ट्रेट, बट मेक श्योर यू ट्विस्ट योर बॉडी और लेग्स को, दोनों लेग्स को क्लोज करो, गैप नहीं होना चाहिए दोनों लेग्स के बीच में। नीज इनसाइड करो, जब नो या नीज इनसाइड 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 सी मच बेटर, बट सी स्टिल लॉट मोर, मच बेटर। बैक डबल बाइसेप्स, जितेंद्र जब तुम फ्रंट फ्रंट बैक डबल बाइसेप्स कर रहे हो ना, रिलैक्स रिलैक्स, तो पूरा नीचे स्क्वीज करने के बाद लैट्स को, और फिर अपने एल्बो को इनसाइड करके ओपन करो, स्क्वीज करो पहले बैक को, वन लेग बिहाइंड करके इसको हैमस्ट्रिंग दिखाओ, स्क्वीज करो बैक को प्रॉपर, एंड हैमस्ट्रिंग मत छोड़ना, ठीक है? गो ऑल द वे अप फर्स्ट, नाउ हैंड्स विद द डाउन ऑल द वे अप एंड स्क्वीज एंड ओपन योर लेफ्ट एल्बो इनसाइड इनसाइड, एल्बो डाउन एंड इनसाइड, यस, लाइक दैट, मच बेटर, या लाइक एल्बो अंडर, लाइक दैट, बेटर। एब्डोमेन थाइस करना, एब्स बहुत शार्प है, हां एब्स शार्प है, लेग्स में फुल नहीं है लेग्स, मोस्ट मस्कुलर, जैसी पोज कर रहे हो ना बॉडी फ्लैट दिख रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा सॉफ्ट दिख रही है, बट फ्लैट दिख रही है, अंडरस्टैंड? ये तुम हमारी बॉडी फ्लैट, हमारी बॉडी को फूड की जरूरत है, यू नीड फूड। कितना कार्ब्स खाते हो दिन में? अभी कितना है? अभी 55 क्या ग्राम? हां 55 ग्राम कार्ब्स एंटायर डे और एवरी मील? एंटायर डे, एंटायर डे। और कब है कॉन्टेस्ट हमारा? 2 दिन बाद। You need to at least the Wednesday, Thursday, you need to at least have 600 carbs. Then you dry up. Okay. मैं रात को आने वाला था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था तो आ नहीं पाया. No, that's fine. मेरा 3 बार रिजेक्ट हुआ था यूएस का वीजा, मनोज. वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं सिंगल था, पैसे नहीं थे, कोई ITR नहीं था, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी. मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, हिंदी में मुझे नहीं पता था कि हिंदी में भी लेते हैं, राइट? सो अब बात करनी नहीं आई, घबरा गया, और ITR नहीं था मेरे पास, सिंगल था उस वक्त मैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो तीन बार मेरा रिजेक्ट किया उन लोगों ने. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेक श्योर तुम्हारा ITR बहुत अच्छा हो, एटलीस्ट 2 साल का ITR हो. प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए, सिंगल नहीं, अगर मैरिड हो तो मैरिड का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल शादी करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनेगा. सिर्फ बोलोगे ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेलने आ रहा हूँ, नहीं देंगे वीजा. कैसे ही बोला था कॉन्टेस्ट खेलने आ रहा हूँ, मेरे को नहीं दिया वीजा उन लोगों ने, मतलब तब की बता रहा हूँ, अब तो और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है? कितने वीक बोल रहे हो मनोज, कितने वीक आउट हो अगर खेलना है तो? कब से तैयारी कर रहे हो? सोचा था मैं 8 वीक 10 वीक. हाँ, मैंने बोला शुगर भी चूज कर लो. 2 मील खाते हो पूरे दिन में? हाँ, अभी तो 2 मील खा रहा हूँ, अभी जैसे कॉम्पिटिशन आएगा वो 4 कर दूंगा बस. बस ठीक है भाई, पता लगता है इंडियन हो. मेरे को बहुत बाहर के देश वाले तो कर नहीं पाएंगे ऐसा भैया. ये इसका रियली इतना इतना तगड़ा जेनेटिक है ना, अगर ये 6 मील खाए जैसा मैं खाता हूँ, ओपन बॉडी बिल्डर हो जाए, इतना तेजी से मास गेन होता है ना. ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन 4 मंथ का होता है एटलीस्ट, बट इट डिपेंड्स अगेन सेम थिंग, राइट? कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बट स्टिल 8 वीक्स इज नॉट एनफ जस्ट टू गेन, बिकॉज क्या होता है ना, 6 वीक्स तो लगते ही है बॉडी को पता करने में कि बॉडी में क्या आ रहा है.
अंडरस्टैंड तो उसके बाद यू हैव टू सस्टेन दैट वेट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स अनदर 6 वीक्स जो भी वेट तुम्हारा गेन हुआ है तुमने 190 पाउंड से 220 तक गए तो उस 220 पाउंड में तुमको एटलीस्ट 6 वीक्स रहना है तो वो मसल सॉलिड रहता है अगर उसके आते ही और कट डाउन करोगे ना तो जो भी गेन किया वो जब नीचे जाओगे तो फैट जाएगा वाटर जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो यू हैव टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर वेट एटलीस्ट 6 वीक्स उसके बाद तो सोचो पहले गेन किया 12 वीक्स का और 8 वीक्स का उसके बाद उसको सस्टेन भी किया 6 वीक्स तो वहीं पे 3 महीने हो गए ना एटलीस्ट इतना तो टाइम चाहिए उसके बाद तुम प्रेप करो चाहे वो 10 वीक में प्रेप कर सकते हो दैट्स गुड प्लान करके करो क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे खेलना है देखो जल्दी मत करो तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है तुम जितना अच्छे से जाओगे खेलोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है अमित भैया कल ही आया और कल इनको लेके गया मील के लिए तो अब वहाँ पे वो ग्राम्स पूछ रहा है तो ये ग्राम्स ही भूल गए बोले आउंस कितना होगा ये कितना आउंस होगा मैं बोला साइड में बैठो आप मैं जो होता है सब कैलकुलेट करके बताता हूँ अब एयरपोर्ट पे से आरटीपीसीआर के लिए पूछा 500 मांगे 500 मांगे 500 डॉलर्स क्योंकि मेरे दिमाग में ना डॉलर्स ट्रीटमेंट चालू है सर्जरी तो नहीं हो रही अभी फिलहाल तो क्योंकि बच्चा एक महीने का इफ यू हैव सम क्योंकि अपने इंडिया में क्या ना हम लोग सोचते हैं कि कोच को पैसा दिया ना तो हमको सब कुछ मिलना चाहिए मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं यहाँ भी रहता था और यूएस में भी रहता हूँ ठीक है तो क्या होता है ना जैसे इंडिया में पूछते हैं लोग कि ब्लड भरवाना है हमको ये दिक्कत हो रही है आप बता दो लोअर बैक पेन हो रहा है हमको ये बता दो बता सकते हैं एडवाइस कर सकते हैं बट एट दी एंड आपको जाना डॉक्टर के पास ही है ना अगर ब्लड रिपोर्ट करवानी है तो यू नीड टू गो टू डॉक्टर से हैव दिस प्रॉब्लम एंड डू द ब्लड व्हाटएवर द ब्लड वर्क यू नीड टू गेट इट डन यू नो व्हाट आई मीन लवीश भाई न्यूयॉर्क प्रो की तैयारी कर रहे थे बट फिर से वही कोविड इस साल का नहीं 2020 ओके फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुआ फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपना अभी स्टोर वगैरह डाला क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इनकम भी करना पड़ता है होटल हो गया सब कुछ हो गया तो एक दो अभी उनका काम चल रहा है उसके बाद फिर प्रेप स्टार्ट करेंगे ऑफ सीजन